अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान तलहा उस्मान के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्री स्वामी नारायण मंदिर में और यहाँ हिंदू कम्युनिटी बड़ी जोशो खरोश से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बम हो, पटाखे हो, ये बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई लेडीज हो, तो आइए से जा रहे हैं कि ये बम पटाखे जो ये फाड़ रहे हैं इसका मकसद क्या है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे कि ये दिवाली का त्यौहार क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग, और ये जो पैगाम है ये अमन का पैगाम है, और इसके अलावा ये जो अकीदतमंद है, जो ये हिंदू बरादरी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, ये अपनी दिवाली पाकिस्तान हो और पाकिस्तान में कितनी जोशो खरोश से मना रहे हैं, क्या इनको पाकिस्तान में ये दिवाली या किसी भी किस्म के त्यौहार मनाने की कितनी इजाज़त है, आइए हम जानते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। क्या नाम है आपका? फरिया। फरिया, फरिया ये बताएं कि दिवाली में क्या क्या खास होता है? क्या क्या खास होता है? दिवाली का नाम ही खास है। दिवाली में पटाखे होते हैं, मिठाइयाँ होते हैं, अच्छे अच्छे पकवान होते हैं और हम खूब तैयार होते हैं। पाकिस्तान में आपको आज़ादी है किसी भी त्यौहार को मनाने की, किसी किस्म की रोक टोक नहीं? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छी हमें आज़ादी है। बकायदा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई रिलीजियस नहीं है, यहाँ पे कोई बाहर खड़ा हुआ नहीं है, पूछ नहीं रहा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सब आ सकते हैं, सब मिलके जिस तरह से हम दिवाली मना रहे हैं इसी तरह से आप लोग अपने त्यौहार मनाते हैं और बहुत आज़ादी के साथ मनाते हैं। एक ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। हैप्पी दिवाली। क्या खा रहे हो? प्रसाद खा रहे हैं अभी। प्रसाद? अरे महंगाई के दौर में प्रसाद भी थोड़ा सस्ता क्या है? मतलब आप ही खाओ भाई जान, आप ही का सबके लिए प्रसाद है। अच्छा, ये प्रसाद है? हाँ ना। सिर्फ यही है और इसके अलावा कोई खास? बहुत सारे प्रसाद है, 56 किस्म की भोजन है यहाँ पे। अच्छा, दिवाली में और क्या खास होता है? खास यहाँ पे हर चीज की मिठाई, हर चीज किस्म की मिठाई होती है हमारे यहाँ पे। क्या कहते हैं ये मिठाई, रसगुल्ले हो गए, दही पूड़े हो गए, यार चार किस्म की मिठाई। मेरे तो पूरे नाम तो आते नहीं है, घर वाले बनाते हैं और ये मरुंडा वगैरह हर चीज बनाते हैं। अच्छा, आपने बनाते हैं? नए कपड़े नहीं पहने? मैंने नहीं पहने आज, मैं असल में गाँव का गाँव, आज गया नहीं इस वजह घर वाले फोन कर ले कहीं काम आ गए, इस वजह से गया नहीं। मैंने यहाँ पे आज सेलिब्रेट करते कराची में, इस वजह गाँव नहीं गया था। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश भाई ये बताएं कि दिवाली में क्या क्या खास होता है? सर दिवाली में बहुत कुछ खास होता है। दिवाली हमारी ऐसी खुशी का त्यौहार है, जैसे ये हमारी इसमें छोटी ईद तो है, जैसे हम रमजान की छोटी ईद तो बोलते हैं, ये हमारी छोटी ईद है, मगर हमें खुशी दुख दिमाग से मनाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान से हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको किसी चीज़ की रुकावट नहीं? हमें गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट का हमें हर चीज़ की सपोर्ट की जा रही है, हमें गवर्नमेंट की कोई शिकायत नहीं है, बड़ी सपोर्ट मिल रही है मीडिया से, रेंजर से, पुलिस से, और भी हमें बहुत सपोर्ट मिली जा रही है पाकिस्तान से। कहते हैं इतनी महंगाई हो गई है तो ये बम पटाखे महंगे नहीं हुए? मगर सर क्या करें, त्यौहार तो त्यौहार है, ईद है, खुशी है, अभी हर साल एक बार त्यौहार आता है, उसको खुद खुशी से मनाया जाता है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाहरुख। शाहरुख जी। अच्छा शाहरुख ये बताओ, ये दिवाली का जो आपका त्यौहार है इसमें बम पटाखे ये सब, इसकी हिस्ट्री थोड़ी बताएं। जी, इसकी हिस्ट्री ये है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो उसका जश्न मनाया जाता है, और जश्न मनाने के लिए फिर पटाखे, रोशनियाँ, चरागा, ये तो जरूरी है ना। चराग कम नजर आ रहे हैं, बम पटाखे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बच्चों ने बम पटाखों में ज्यादा फोकस करके रखा हुआ है, बाकी चरागा वरागा इतना कम है, वरना पहले बहुत ज्यादा था। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोविड का रेशियो कम होने की वजह से यहाँ पर हर मजहब का, हर फिरके के लोग आए हैं और मिलकर दिवाली। इस दिन को आपकी ईद कहा जाता है? जी जी, दिवाली तो ईद। और क्या क्या होता है इसमें? इसमें पूजा होती है, इसके अलावा लक्ष्मी पूजा होती है इससे पहले, तो ये सब चीजें मनाई जाती है। को मुंह मीठा, को मिठाई, मिठाई भी होती है, मिठाई होती है, दावतें होती हैं, ये ईद की तरह, ईद का त्यौहार होता है ना, इसी तरह के त्यौहार। और वो रंगोली वगैरह भी होती है? रंगोली भी सजाई जाती है। अच्छा, ये क्या होता है कि जब आप इतना सब कर रहे हैं, बम पटाखों में पैसा लगा रहे हैं, तो कहा जाता है कि किसी गरीब की शादी करा देते लोग, ये भी सवाल? दान होता है, दान वगैरह होता है, लोगों को दिया जाता है, भिक्षा वगैरह दी जाती है, लेकिन ये कि ये खुशी का त्यौहार है, सेलिब्रेट करना भी जरूरी है ना। बताएं कि आप एक बुराई से अच्छाई की जीत हुई है, तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना अपना। वो जीत क्या आती है जो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई? जब भगवान राम जो है अयोध्या से क्या बोलते रावण को मार के जब आए थे वापस, तो ये जीत। वो जो तीर लगा, वो मार के वो कैसे, वो कहाँ होता है? वो जो तीर रावण को तीर मारते हैं वो यहाँ पर हो नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर वो हमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा। एक्चुअली उसे कहते हैं यहाँ से अभी 11 दिन पहले अगर आप आते हैं ना, तो नवरात्रि का त्यौहार होता है, उसमें रावण दहन होता है 11 दिन पहले, रावण दहन के बाद फिर ये दिवाली बनाई जाती है, जब वो वापस अपने गाँव वापस आते हैं। और ये कितने दिन का त्यौहार है? जी ये त्यौहार तो ये 3 दिन तक चलेगा।